हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, सी टेट के लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। कृपया इस वीडियो को कंटिन्यूस और अंत तक जरूर देखना है। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से अहम जानकारी दूंगा कि कब ऑफिशियल जो आंसर की जारी की जाएगी, किस तरह का आपकी बार जो डिप्लोमा जिसे डिग्री डीएमसी बोलते हैं, डीएमसी उपलब्ध कराएगा सी टेट। वो दोस्तों संपूर्ण जानकारी जो आप जानना चाहते हैं एग्जाम होने के बाद, यदि आपने एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को कंटिन्यूस अंत तक देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि सी टेट 2018 इस तारीख को आ सकती है सी टेट परीक्षा की आंसर की। ये देखिए दोस्तों, सीबीएसई की ओर से आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार को देश भर के 92 शहरों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब परीक्षा की आंसर की अगले सप्ताह जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसके लिए अभ्यर्थी सीटीईटी परीक्षा की वेबसाइट पर देखते रहें। और दोस्तों अहम जानकारी ये भी बता दूं कि परीक्षा जो थी 2144 केंद्रों पर आयोजित की गई, और इसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की माने तो उम्मीदवार 500 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट को जमा करके ओएमआर की फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। यानी फोटोकॉपी लेना चाहते हैं जो कैंडिडेट दोस्तों, तो 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा और आपको अपनी ओएमआर जो शीट होती है, आंसर शीट होती है, उसकी फोटोकॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको बता दें कि इस बार परीक्षार्थी का कहना है कि अंग्रेजी के पेजेस काफ़ी लंबे आए थे, इनको करने में काफ़ी समय चला गया। इसके अलावा गणित के कुछ सवाल भी सिलेबस के बाहर से पूछे गए थे। इसके अलावा अभ्यर्थी को यह भी कहना था कि पर्यावरण के सवाल काफ़ी आसान थे, इसकी जगह अंग्रेजी और हिंदी के पेपर ने मुश्किल में डाल दिया। दोस्तों मैं बता दूं कि अब की बार साइकोलॉजी पेडागोजी बहुत आसान आई हुई थी, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ामों में जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उसमें साइकोलॉजी पेडागोजी जो होती है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। तो अब की बार आसान किया है, साइकोलॉजी आसान कर दी, ईवीएस आसान कर दी, लेकिन हिंदी और इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए हुए थे। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो आपके सत्र के अकॉर्डिंग नहीं थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थे। आंसर की आने की संभावना दोस्तों ये देखिएगा, आंसर की आने की संभावना है, आंसर की आने की संभावना 25 दिसंबर तक आने की संभावना है। यानी 25 दिसंबर के आसपास कभी भी जो बोर्ड है अपलोड कर सकता है आंसर की, ऑफिशियल आंसर की। अभी तो दोस्तों जो एकेडमी या अन्य किसी कारण से आंसर की अपनी ओर से बना रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल आंसर की अपलोड की जाएगी 25 दिसंबर तक। जब भी आंसर की अपलोड करेंगे हम आपको बता देंगे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, डीएमसी अलग तरह से मिलेगी। यानी अब की बार जो डीएमसी, जो सी टेट पास होने के बाद जो डीएमसी मिलती है, जो सर्टिफिकेट मिलता है हमें, वो अलग तरीके से भी मिलेगा। सीबीएसई ने बताया कि 2018 में आयोजित होने वाली सी टेट परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की मार्कशीट और योग्यता प्रमाण पत्र उनके डिजिटल लॉकर अकाउंट में उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी जो डिजिटल लॉकर अकाउंट है उसमें उपलब्ध करा दी जाएगी, वहां पर जमा करा दी जाएगी। ये मार्कशीट और प्रमाण पत्र डिजिटली साइन होंगे, जो कि आईटी एक्ट के तहत कानूनी रूप से मान्य होंगे। यानी डिजिटली साइन होंगे और आईटी जो एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये मान्यता होगी। इसके साथ ही सभी प्रमाण पत्रों में QR कोड होगा, जिससे कि उनकी सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। यानी QR कोड जो होता है, आपने देखा होगा QR कोड रोल नंबरों पर भी आता है, ऐसे जो ब्लैक रंग में होते हैं, तो QR कोड साथ में होगा, जिससे उसकी सिक्योरिटी बढ़ेगी और कोई भी इसको हैक नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आपको पता है कि सी टेट का एग्ज़ाम काफ़ी लोगों ने, करीब 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने दिया था। अगर आप अपने आंसर कॉपी की जो है फोटोकॉपी लेना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे, ओएमआर की जो कॉपी लेना चाहते हो तो 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी। और दोस्तों आंसर की आने वाली है 25 दिसंबर तक, याद रखिएगा। और डीएमसी अब की बार अलग तरह से आएगी, डिजिटली लॉकर के थ्रू, डिजिटल लॉकर के थ्रू आएगी। तो दोस्तों ये थी बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, आपको अवगत करा दी। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा सी टेट के अकॉर्डिंग, तो इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा। कृपया इस यूट्यूब चैनल पर जरूर देखते रहिएगा, इस पर संपूर्ण वीडियो जरूर देखिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।